थमने का नाम नहीं ले रही पठान की आंधी। दो ही दिन में ग्रॉस कलेक्शन 200 करोड़ के पार। किंग खान ने फिर बनाया रिकॉर्ड। शाहरुख की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। मूवी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म पठान ने दो ही दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। देश भर में पहले दिन फिल्म पठान ने तकरीबन 57 करोड़ की बम्पर ओपनिंग से शुरुआत की। इसके बाद अगले दिन रिपब्लिक डे की छुट्टी का फायदा उठाकर पठान ने तकरीबन 70 करोड़ का कलेक्शन किया है। दो ही दिन में देश भर में पठान की कमाई का आंकड़ा 127 करोड़ पहुंच गया है। दूसरे दिन की कमाई में भी पठान ने केजीएफ को पीछे छोड़ दिया है। गौरतलब है कि केजीएफ के हिंदी वर्जन ने दूसरे दिन तकरीबन 47 करोड़ की कमाई की थी। पठान के इस नए रिकॉर्ड को बनता देख फैंस तो खुश थे ही। इसी बीच ट्रेन एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्वीट करके बताया कि पठान ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 235 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसके बाद शाहरुख के फैंस का एक्साइटमेंट पीक पर है। ट्रेन एनालिस्ट की माने तो पठान की सुनामी फिलहाल थमने वाली नहीं है, और इस बात में कोई दोराहे नहीं है कि मूवी का ग्रॉस कलेक्शन रिकॉर्ड बनाने वाली कई फिल्मों से आगे निकलेगा। ये भी मुमकिन है कि पठान देश भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाए। वैसे आप बताएं, क्या आपको लगता है कि पठान इतना कमा पाएगी या फिर आने वाले हफ्ते में मुंह के बल गिर जाएगी? हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। और फिल्म पठान से जुड़ी ऐसे ही हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट, होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफा भंगार बाजार डायमंड कारपेट, होलसेल रेट में दिया जाता है।